म्यूजिक में सर्वाइव कैसे करोगे, रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें कैसे पूरी करोगे। मुझे पता है ऐसे इमोशनल क्वेश्चंस आते होंगे आपके सामने आपके पेरेंट्स की तरफ से अगर आप उनको ये बोलेंगे कि हमें तो म्यूज़िक करना है लाइफ में, ठीक है। तो मेरा ये आइडिया है कि इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आपको आइडिया दे पाऊँ कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। इस पूरी चीज़ को हमने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार मैं एक टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज बेसिक म्यूजिक नॉलेज, और फिर उससे मैं 3 स्ट्रीम्स निकाल रहा हूँ। पहला स्ट्रीम होगा बीइंग एन आर्टिस्ट, मतलब आप जो भी अच्छा करते हैं, आप गाते अच्छा हैं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाते हैं, वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, गिटार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आजकल कुछ और अलग चीज़ें जैसे आप रैप करते हैं या फिर आप बीट बॉक्सिंग करते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए करियर ऑप्शन होगा कि आप लोगों के सामने परफॉर्म करके अपना अर्निंग कर रहे हैं, आपको वो फेम मिल रही है। फेम का श्योरिटी नहीं है, बट हाँ इतना सर्वाइवल के लिए अगर आप अच्छे हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेस के थ्रू अलग अलग जगह परफॉर्म करके आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। पहला था बीइंग एन आर्टिस्ट, दूसरा ऑप्शन है बीइंग अ टीचर। नाउ टीचिंग में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। यू कैन बी अ प्राइवेट म्यूजिक टीचर, जो भी आपका स्पेसिफाइड एरिया है वोकल और इंस्ट्रूमेंट, और यू कैन बी अ गवर्नमेंट टीचर ऑल्सो। यू कैन बी अ प्रोफेसर इन म्यूजिक इन इंडिया, यस दैट इज पॉसिबल, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए हमें आपका पहले रिस्पॉन्स चाहिए कि आपको और जानना है कि नहीं, है ना। आई डेंट वॉन्ट कि ये वीडियो एक्स्ट्रा लंबा हो जाए, तो इसलिए मैं आज सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। उन ऑप्शंस का जो एलिबरेटेड वर्जन है वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरी बात होती है प्रोडक्शन / टेक्निकल। ये एक ऐसा पार्ट है जो अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से खुल गया है म्यूजिक में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई है, उसका यूज़ बढ़ने लग गया है, वैसे वैसे ऑप्शंस और बढ़ गए हैं। आप एक म्यूज़िक प्रोडक्शन पर्सन हो सकते हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो सकते हैं, मतलब आप म्यूज़िक एक तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आजकल सिस्टम पे होता है सारा काम, तो आपको पता है कि किस तरीके से म्यूज़िक बनाया जाता है। आपका बेसिक म्यूज़िक नॉलेज बहुत अच्छा है और आप नई नई ट्यून्स बना सकते हैं, तो हो सकता है आप उन ट्यून्स के थ्रू अपना अर्निंग कर पाएँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग। जो आजकल गाना जो पूरा प्रिपेयर होता है ना, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, अरेंजिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर होता है, अरेंजमेंट के लिए एक अलग डेडिकेटेड पर्सन होता है, मिक्सिंग के लिए अलग पर्सन हो सकता है, मास्टरिंग के लिए अलग पर्सन हो सकता है। तो यहीं पे देखा जाए तो एक गाना 4 से 5 डिफरेंट टाइप के लोगों को, सिर्फ टेक्निकल पार्ट में बता रहा हूँ, जो सिंगर है वो अलग है और जो इंस्ट्रूमेंट वाला है वो अलग है, को एक तरीके से काम दे सकता है, ठीक है। अब इनकी जो डिटेल्स हैं वो नो डाउट बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, बट आई वॉन्टेड यू टू गेट दी आइडिया, ठीक है। लेकिन काम की बात क्या है, इन सब का कोर है बेसिक म्यूजिक नॉलेज, जो सबसे ऊपर है। अगर आपको बेसिक म्यूजिक नॉलेज, जैसे आपको स्केल्स के बारे में नहीं पता, कॉर्ड्स की थ्योरी के बारे में नहीं पता, तो यू कांट बी गुड एट एनीथिंग, ठीक है। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकता है बन जाएं, क्योंकि वोकल एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम फोक आर्टिस्ट को देखते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन उनकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि उन्होंने बचपन से इतनी बार वो चीज़ रिपीट की होती है कि उनके सेंसेस में वो पार्ट आ जाता है। हालांकि वो ये चीज़ लिख के नहीं समझा सकते या बोल के नहीं समझा सकते, बट दे परफॉर्म इट सो वेल कि उनका वो नॉलेज जो लैक है ना, वो सामने नहीं आ पाता और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ठीक है मेरे को स्टार्ट करना है, इफ़ यू आर नॉट अ नेचुरल इन म्यूज़िक, देन यू हैव टू वर्क हार्ड, देन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर नॉलेज एज वेल, ठीक है। तो ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा? फ्रंट रो है ना। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है, गिटार, पियानो, फ्रंट रो है। अगर आपको सिंगिंग सीखनी है, फ्रंट रो आपके साथ है। अगर आपको रफ्तार के जैसे प्रॉपर रैप करना सीखना है तो वो भी ऑप्शन है। तो हमने ये बीड़ा उठाया है कि लोगों में जो एक डर है कि हम आगे म्यूज़िक में क्या करेंगे, हम उसका एक स्थायी सॉल्यूशन देंगे आप लोगों को। बट उसके लिए शुरुआत जो है वो बेसिक म्यूज़िक नॉलेज से होगी, बेसिक म्यूज़िक लर्निंग से होगी, जिसमें हम लोग आपके साथ हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, आज ही साइन अप कीजिए इस नए कोर्स में, जिसमें मैं आपको गिटार सिखाना स्टार्ट करूंगा विद ऑल द बेसिक नॉलेज जो एक नीड रहेगी इन फ्यूचर फॉर अ बेटर प्रोफेशन, टू गेट अ बेटर प्रोफेशन इन म्यूजिक, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कंक्लूसिव थॉट के बारे में। कंक्लूजन कि आपके पास तीन ऑप्शन हैं, आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं, या आप म्यूज़िक के टेक्निकल और प्रोडक्शन पार्ट में भी अपना एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं। यस, अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर्वाइवल के लिए, आई कैन अश्योर यू दैट, बट यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू ट्राई दैट, यू हैव सम यू नो दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिसके लिए आप जाने जाते हैं। चाहे आप एक टीचर हैं तो भी आप में कुछ यूएसपी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी शुड बी देयर, ठीक है। आई नो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल साउंड कर रहा है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम चीज़ है वो बेसिक नॉलेज के लिए फ्रंट रो इज देयर। जस्ट लेट अस नो व्हाट हेल्प यू नीड, ठीक है। आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी होगी तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं हमेशा की तरह। वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए या फिर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, वी विल रीच आउट टू यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक, टेक केयर।